दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल आशा स्पेशल किचन में। तो आज हम अपने किचन में कुछ नया बनाएंगे, चलिए बनाना चालू करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे सौंठ। यह इमली की खट्टी मीठी चटनी भी कहलाती है और ये टेस्ट में बहुत ही अच्छी होती है। तो देखिए, ये इमली है, मैंने इसको सारी रात भिगो के रख लिया था और अगर आप चाहें तो इसे 4 घंटे भी भिगो के रख सकते हैं। और आपको जल्दी ही बनाना है तो आप आधे घंटे पहले गुनगुना पानी कीजिए, उसमें इस इमली को भिगो के रख लीजिए। फ्रेंड्स, हमने इस पैन को गैस की फ्लेम पर रख दिया है और इसमें मैं आधा चम्मच घी का डाल रही हूँ और थोड़ी सी मैं इसमें सौंफ डालूँगी, ये भी आधी चम्मच है। आप घी की जगह ऑयल भी डाल सकते हैं। और जो हमने इमली भिगोई थी उसका पल्प हमने निकाल के रख लिया है और इसे अच्छे से छन्नी से छान भी लिया। यह पल्प 1 कटोरी निकला। इसमें हम डबल मीठा डालेंगे। मीठे में चीनी और गुड़ दोनों ही ऐड करके बनाऊंगी इस चटनी को। आप सिर्फ गुड़ से ही बना सकते हैं और चीनी से भी बना सकते हैं। आधा ग्लास बस वाटर डालेंगे, ज़्यादा वाटर डालने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको हम थोड़ा सा चला लेंगे और चला के गैस की फ्लेम पे ऐसे ही उबलने के लिए छोड़ देंगे। जब ये गर्म होगा और इसमें उबाल आएगा तो हमारी चीनी और गुड़ दोनों खुद ब खुद मेल्ट हो जाएगी और फिर हमें इसकी बस थिकनेस लानी होगी, ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, जब तक हमें इसे पकाना होगा गैस की फ्लेम पे। तो देखिए दोस्तों, हमने इसको ऐसे ही गैस की फ्लेम पे रख दिया है। अब इसमें उबाल आना चालू हो गया है, चीनी गुड़ हमारी मेल्ट हो चुकी है। अब इस समय हम इसमें थोड़ा सा सफ़ेद नमक डाल रहे हैं और आधा ही चम्मच इसमें हम काला नमक डालेंगे। काले नमक का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, आप किसी भी चीज़ में डाल दीजिए। और आधा ही चम्मच मैं इसमें सौंठ का पाउडर डालूँगी। सौंठ अगर ना हो तो आप थोड़ी सी अदरक पीस के इस समय डाल सकते हैं। सौंठ की चटनी है तो सौंठ का पाउडर बहुत अच्छा टेस्ट देता है। और मैं इसमें आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर भी डाल रही हूँ और 1 से 1.25 चम्मच मैंने इसमें पिसा हुआ जीरा पाउडर डाला है। ये ज़्यादा से ज़्यादा डालिए आप इसमें, ये इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगेगा। और आधा चम्मच गरम मसाले का पाउडर डाल रही हूँ मैं। और जब ये खट्टा है, मीठा है, तो थोड़ा तीखा स्वाद भी इसमें बनना चाहिए, तो इसके लिए हम थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाला है। अब हम इसमें कोई मसाला नहीं डालेंगे, बस इसको इसी तरह से मिक्स कर लेंगे, चला लेंगे और बस इसको हमें गाढ़ा होने का वेट करना है। ये धीरे धीरे जब ये पकेगा, उबलेगा, तो यह गाढ़ा हो जाएगा और बस हमारी चटनी समझिए थोड़ी गाढ़ी होती रेडी हो जाएगी। उस स्टेज पर हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स मिला लेंगे और कुछ लोग इसे बनने के बाद इसमें फ्रूट्स भी डाल देते हैं। फ्रूट्स में ज़्यादातर केले और अंगूर आप डाल सकते हैं, तो उससे इसका टेस्ट और बढ़ जाता है। पकाते वक्त इसमें आप कोई भी फ्रूट नहीं डालिए, बस इसमें आप ड्राई फ्रूट डालेंगे। तो देखिए, यह पकते पकते कितनी गाढ़ी हो गई है, काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। इस समय अब इसमें हम थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल रहे हैं, तो मैं थोड़ी सी किशमिश डालूँगी। 1.25 चम्मच एक किशमिश है, थोड़े से काजू के पीस भी ऐड करूँगी और थोड़े से खरबूजे के बीज भी इसमें डालूँगी। बस ये 3 ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ और कुछ नहीं डाल रही। और बस इसको थोड़ा सा इन सब चीज़ों को डालने के बाद हम गाढ़ा कर लेंगे। और बहुत गाढ़ा नहीं करना है, क्योंकि बहुत गाढ़ा करेंगे हम और फिर इसको हम ठंडा करेंगे तो ये उससे भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो थोड़ा सा गाढ़ेपन में होना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि रखने के बाद ये खुद काफ़ी गाढ़ा बन जाए। तो बस देखिए, अब हमारी चटनी रेडी होने को है। बस इसको थोड़ा सा ड्राई फ्रूट हमने डाले हैं, किशमिश डाली है, काजू डाला, तो थोड़ा सा और उबाल आने देंगे, थोड़ा सा और ठीक हो जाएगा, बस हमारी चटनी रेडी हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, इसमें बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है, इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है। देखिए, ये बहुत गाढ़ी अब हो चुकी है, अब हमें इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, ये बहुत अच्छी स्टेज पे है। बस इसी समय हमें गैस की फ्लेम ऑफ कर देनी है। तो मैंने इस सौंठ की चटनी को इस बॉल में ट्रांसफ़र कर लिया है। देखिए कितनी थिक है, बस इतनी थिक रखनी है आपको, कितनी बढ़िया लग रही है ना, इसका कलर भी बहुत ही बढ़िया आया है। बस इसको इसी तरह फटाफट बनाइए और दही बल्लों पे डाल के खाइए, आप समोसे के साथ खाइए, आप टिक्की के साथ खाइए, आप किसी भी पकौड़े के साथ खाइए। तो दोस्तों, आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर ज़रूर कीजिए।